अज़बल़ानजीमलबरबी हारखल कौमी वसल तब सबीफी और हमने मूसलाम से तीस रातों का वादा किया और हमने उन्हें मज़ीद दस रातों के साथ पूरा किया यूँ उसके रब की मुकर की हुई चालीस रातों की मदद पूरी हो गई और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा अलिम सलात वसलाम मेरे पीछे मेरी कौम में तू मेरा जानशीन बन जा और उनकी असलाह करना और फसाद करने वालों के रास्ते की पैरवी न करना वलम माजा अमूसाली का वकल रबाल रब अरनीई कल तरानी ولكن الجبل مكانه فسوف تراني فلما تجلى वला नज़ुर मकान तरानी फ़लम तजल रबालम वखर्रमूसा साइा फ़लम अफाक़ का सुबहान तुब तोाना और जब मूसा हमारे मुकर किए हुए वक्त पर आए और उसके रब ने उससे कलाम किया तो मूसा सलात वसलाम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे अपनी झलक दिखा दे मैं तुझे देखूंगा. अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकोगे लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ़ देखो अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो करीब तुम भी मुझे देख लोगे फिर जब उसका रब पहाड़ के सामने जाहिर हुआ तो वह रेजा रेजा हो गया और मूसा सलात वसलाम बेहोश होकर गिर पड़े फिर जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा अय अल्लाह तो पाक है मैं तेरी तरफ तोबा करता हूँ और मैं पहला मोमिन हूँ कल यामूसा इनफ़ा तो कॉलन्ना से बेरेसालती वलामी फ़ौज माँ आती तो का वकुमर शाक्रन अल्लाह ने कहा असा सलासलम बेशक मैंने अपने पैगाम पहुँचाने और अपनी हम कलामी के लिए लोगों में से आपको चुन लिया है लिहाजा जो मैं आपको दूँ उसे पकड़ लीजिए और शुक्र करने वालों में शामिल हो जाइए व वकतबना लहू फ़िलाश मोज़त व तफ़सी लश फ़ुज़ हा बुतः मरक़ो मकया खुजुब अहसनी है सऊरी कमदार अल्फास्किन और हमने ज़िंदगी के हर मामले के मतलक नसीहत और हर पहलू के बारे में तफसील तख्तियों पर लिख कर मुसा को दे दी और उनसे कहा इसे मजबूती से पकड़िए और अपने कौम को हुक्म दीजिए कि वो उसकी अच्छी बातों को पकड़े रहें अनकरीब मैं तुमको नाफ़रमानों का घर दिखलाऊंगा सा सिर्फ अनायत यह तकबरु न फ़िल्ज़ ब़ैरह बिहा वहीं अरव सभीुशदिला तखिजु सबीला वहीं अरव सभी यद तखिजू हो सबीला दाल कभी अन हमकत जबूब आयात नाबकान वहा गाफिलन और अन करीब मैं उन लोगों की निगाहों को अपनी निशानियों से फेर दूँगा जो ज़मीन में नाहक तकबर करते हैं और अगर वह सब निशानियाँ देख लें तब भी उन पर ईमान नहीं लाएंगे और अगर वह हिदायत का रास्ता देख ले तो उसे अख्तियार नहीं करेंगे और अगर वह गुमराही का रास्ता देख ले तो उसे इख्तियार कर लेंगे ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को छुटलाया और उनसे गाफिल व बेपरवाह थे والذين كذبوا بآياتنا वलदी नकदबूब أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون और जिन्होंने हमारी निशानियों को और आखिरत की मुलाकात को छुटलाया उनके अमाल बर्बाद हो गए वो सिर्फ उसी का बदला दिए जाएंगे जो वो अमल किया करते थे नाजरन इकराम आसान दरसे कुरान के अंदर नवे पारे का आज सातवा रुकू है जिसके अंदर छः आएते हैं असर आरफ़ सुरन नंबर सात के अंदर आयत नंबर एक से आयत नंबर एक तक आइए गौर करते हुए चलिए आयत नंबर एक सौ बयालीस वौर कीजिए मूा सलात वसम चालीस रातों के लिए कोहि तूर पर चले गए अल्लाह ताला ने उनको बुलाया अब गौर करते हुए चले वहाँ जब मूसी सलात साम गए तो उन्होंने ये चाहा कि अल्लाह को देख लें तो अल्लाह ने क्या कहा नहीं दीदार दुनिया में मुश्किल है रब अरनी अंरक मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ अल्लाह ने कहा कि तरानी आप मुझे नहीं देख सकते तो इसे ये पता चला दुनिया के अंदर अल्लाह को देखना नामुमकिन है लेकिन आखिरत में अल्लाह का दीदार आसान है दुआ करें अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब फरमा दे आमीन उसके बाद गौर करते हुए चले अल्लाह ने यह कहा कि पहाड़ पर अपनी तजल्ली करेंगे अगर वहाँ आप गए तो ठीक तो मूसा लल सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और जब उठे तो तौबा किया और कहा मैं पहला मोमिन हूँ उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि हमने चुन लिया है अपने कलाम के लिए तो मूसा मूसालीसलाम से अल्लाह ने कलाम किया एक तो उस वक्त जब वो आग लेने गए थे तो अल्लाह ताला ने नबूवत दे दी अब जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने के लिए गए तो उसी का तस्करा है इसलिए मूसा मूसलीसलामाम को कलीमुल्ल कहा जाता है और ईसा सलातम को रूहल्लह कहा जाता है आइए ज़रा गौर करते हुए चलें वक्तवना लुफ़ीलवा अल्लाह ने तौरात को तख्तियों की शक्ल में दिया मूसा सलात सलाम जब अपनी कौम को छोड़ कर जा रहे थे तो उस वक्त अपने भाई हारून को रखा कि आप इस्लाह कीजिएगा और लोगों को देखते रहिएगा लेकिन जब मूसा सलात सलाम कोहतूर पर चालीस दिन के लिए चले गए तो उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी तो बड़ा मसला हो गया जिन लोगों ने अल्लाह ताली की आयतों को झुटलाया उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है इसलिए उसका ज़िक्र है आयत नंबर एक में कि जो लोग तकबर किए वो लोग हक़ से महरूम रह गए और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो उन लोगों का बड़ा मसला हुआ वो लोग गाफिल हो गए सीधे रास्ते से हट गए तो अब ये इसके अंदर ये बताया जा रहा है हारून सलासलाम तो ने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया देखते रहे लेकिन लोग नहीं माने अब उसका तस्करा जो है आगे क्या होगा वो आइंदा के दर में बताया जाएगा आज के दर में बस इतना ही कि अल्लाह का दीदार दुनिया में नामुमकिन है क़्यामत के दिन अल्लाह वाले एक अल्लाह को देख रहे होंगे अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब फरमा दे आमीन नाजरीन निक्राम आज के दर में बस इतना ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने समझने अमल करने और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे आमीन असलम आलकमल वबरक और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें का खैरा